आदिपुरुष फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला इन दिनों काफी विवादों में घिरे हुए हैं। मनोज मुंतशिर शुक्ला का जन्म 27 फरवरी 1976 को उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गौरीगंज में हुआ था। उन्होंने साल 1994 में अमेठी के हाल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में साइंस में बैचलर डिग्री ली। मनोज ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता किसान और माँ एक टीचर थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। उनकी पत्नी नीलम शुक्ला एक लेखिका हैं। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम आरू है। मनोज ने अपने स्कूल के दिनों में ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। उनके दोस्त उन्हें मुशायरा ले जाते थे जहां वो अपनी कविता सुनाते भी थे। 1999 में ग्रेजुएशन खत्म करके वो काम की तलाश में मुंबई निकल गए। वह केवल घर से 700 रुपए लेकर ही निकल गए थे। मुंबई आने के बाद उनकी मुलाकात भजन सम्राट अनूप जलोटा से हुई। उन्होंने मनोज को एक भजन लिखने को कहा। मनोज ने इससे पहले कभी भजन नहीं लिखा था, लेकिन पैसों के लिए वो लिखने के लिए तैयार हो गए। भजन लिखने पर अनूप ने उन्हें 3000 का चेक दिया, जो मनोज की पहली कमाई थी। साल 2004 में उन्हें फिल्म रंग रसिया के गाने लिखने का मौका मिला, लेकिन कुछ वजहों से ये फिल्म 10 साल बाद 2014 में रिलीज हुई। मनोज की एंट्री टीवी पर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की वजह से हुई थी। बिग बी ने उन्हें कौन बनेगा करोड़पति के डायलॉग लिखने के लिए दिए। इसके साथ साथ मनोज ने अन्य रियलिटी शोज जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट, झलक दिखला जा, इंडियन आइडल जूनियर की स्क्रिप्ट भी लिखी। उन्होंने साल 2005 की फिल्म यू बोम्शी एंड मी के गाने लिख बतौर गीतकार अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने 4 गाने लिखे थे। उन्होंने 2014 में श्रेया घोषाल के पहले गजल एल्बम हम नशी के कुछ गाने लिखे थे जो चार्ट बस्टर बन गए। मनोज ने बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन के हिंदी वर्जन, जय गंगा जल, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, बादशाहो जैसी फिल्मों के सारे गाने लिखे। इसके अलावा उन्होंने एक विलेन का गलियां, हाफ गर्लफ्रेंड का फिर भी तुमको चाहूंगा, बत्ती गुल मीटर चालू को देखते देखते, कबीर सिंह का कैसे हुआ और केसरी का तेरी मिट्टी गाना गाया। बाहुबली द बिगनिंग के हिंदी वर्जन का डायलॉग लिख उन्होंने एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर अपना डेब्यू किया। उन्होंने बाहुबली द कंक्लूजन साई रा नरसिम्हा रेड्डी, मार्वल के ब्लैक पैंथर के हिंदी वर्जन का डायलॉग भी लिखा।